तेरे लिए मेरा ये कर दिया। इतना मेहनत हो रही है 5 मिनट के लिए, इतना मेहनत होता है? होता है, पहनना है तो फिर हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सुबह उठ के सोचते थे क्या पहने क्या पहने। अभी तुम लोग का बारी। मेरा कंफर्म है कि मैं यही पहनूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत साड़ी मतलब अच्छे से पहनेंगे, प्लेट्स वो उसको उठाओ मत, क्लिप लगा के उठाओ नहीं तो फिर खुल जाएगा। क्लिप लगा, मैंने जैसे लगाया था फिर ऐसे करके रखो। पीछे जो दिख रहा है ना उसको इग्नोर करो, क्योंकि हम लोग का घर में कचरा भरा हुआ है। कचरा नहीं है, सामान है, हम लोग ढक के रखते हैं और रखने के लिए जगह नहीं है। आमा पूजो हो गए बापरे, ये फोटोशूट चल रहा है। फिर क्या करी? बाल, मेरा बाल निकल गया, देख क्या मैं तो के ना तो कुछ तो सब फोटोशूट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आई थी मंदिर, ये शिव मंदिर। स्कूल जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये फोटोशूट चल रहा है पीछे। ये काली माँ का मंदिर और ये इधर, थोड़ा सा घंटी बजा देते हैं, ये अंधेरा। जय माँ दुर्गा। किसके एक तो आज इससे डोरी ये घंटी ऊपर। हाँ इसमें चन्नी, तो मैं तब से फोटो अच्छा नहीं उठा पा रही हूँ उनके लिए, तो वो लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं। काली माँ, मेरा साड़ी सफ़ेद साड़ी काला हो जाएगा नीचे से। वो लोग फोटो उठाते हैं, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूम जाती हूँ। इतना चिल्ला दिए, कितना सुंदर गार्डन है पीछे। वो फ़ोन पे बात करी है उसकी क्लासमेट के साथ। अंदर से ज़्यादा यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप बाल सब बिगड़ गया, मैं क्लिप लाना भूल गई। इधर मेरा एक छोटा सा बाल है, तो ये रामकृष्ण संस्कृति केंद्र हल्दिया। वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं, मैं इधर बाहर आई। वो लोग फ़ोन आ रहा है कि इधर आओ उधर उधर, लेकिन कहीं नहीं जा पा रहे, और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर बैठे हैं। फ़ोटोज़ ले लिया, अभी जाएंगे घर। 11:30 बजे निकला था, अभी 12:50 हो गए। टाइम इतना जल्दी चला जाता है बोलो मत। और भी बाहर रहने का मन था, स्कूल जाने का मन था, लेकिन नहीं गए। यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे। घूम के आ गई एंड मेरा मेकअप सब उतर गया है। बंटी खाना खा रहा है पीछे, टीवी देख रहा है। तो मेरा मेकअप देखो, मेरे को साड़ी चेंज करने का मन नहीं है। मालूम है कितना प्यारी लग रही हूँ मैं, पता है खुद का तारीफ कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। तो मैंने रेड और वाइट और थोड़ा सा गोल्डन है कम, उसका मतलब मैंने कॉम्बिनेशन पहना है।
ये मेरा यहाँ पे गणपति भगवान है, रेड और गोल्डन, ये थोड़ा सा गोल्डन और रेड। और साड़ी मैंने पहना है उसको ढाका जामदानी बोलते हैं, एंड ये वाइट और गोल्डन, ये देख सकते हैं, ये मैंने लाया था, आपने देखा होगा, मैं दिखाई थी। एंड ये रेड, इसमें थोड़ा सा ये वो झुरझुरी वाला डिज़ाइन है, ऐसा डिज़ाइन है थोड़ा सा फ्लावर वाला। और ये मैंने चूड़ी का कॉम्बिनेशन पहना है, दो डिफरेंट चूड़ी को मैंने एक साथ पहना है, और इस साथ में मेरा एक बाला जो मैं नॉर्मल पहनती हूँ, और ये अंगूठी, और ये नेल पॉलिश। देखो सबसे जोक वाली बात ये है, ये एक्चुअली बिगड़ गया था मैं जब पहनी थी, तो मैंने इसको पोछ दिया था, फिर मैं बाद में पहनूंगी, मेरे को मालूम था मैं भूल जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं भूल गई। और इस साथ में मैंने कुछ नहीं पहना, और एक छोटी सी बिंदी पहनी है ना, बस यही है मेरा लुक, और थोड़ा बाहर गई थी बस। तो मैंने भी साड़ी वाड़ी चेंज कर लिया, बस मेकअप साफ़ करना बाकी है। तो देखते देखते दिन ख़त्म हो गया, दोस्तों से मिल भी लिया, कुछ दोस्तों को मिस किया, एंड यस। और इस साल का सरस्वती पूजा तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट ईयर पता नहीं इधर होंगे कि नहीं होंगे, कि कॉलेज में होंगी तो इधर आ पाऊँगी कि नहीं, कितना मतलब नेक्स्ट ईयर का बहुत दिन होता है ना नेक्स्ट ईयर, तो पता नहीं। तो इस साल का सरस्वती पूजा ख़त्म, एंड यस। तो अभी मैं जा रही हूँ मेकअप साफ़ करने के लिए, फिर वही थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी, एंड थोड़ा पढ़ाई है क्योंकि नेक्स्ट वीक से 9 तारीख से आई थिंक मेरा सेमेस्टर 1 है, तो थोड़ा सा पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, हैप्पी सरस्वती पूजा।